ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहे, ऊपर से अगर आप तत्काल के लिए टिकट लेने वाले काउंटर पर जाते हैं तो दलाल आप पर कर सकते हैं हमला। सहरसा, बिहार में सहरसा, जहां पर एक युवक जब तत्काल का टिकट लेने काउंटर पर गया तो उसे दलालों ने चाकू मार दिया। तत्काल टिकट की खिड़की, अपराधियों का अड्डा। तत्काल टिकट के लिए गुंडागर्दी, चाकू से किया यात्री पर हमला। तत्काल टिकट के लिए रेलवे प्रशासन चाहे जितना भी कर ले, एजेंटों का खौफ और एजेंटों की गुंडागर्दी कम नहीं हो रही। सहरसा रेलवे स्टेशन पर सुबह 3 बजे से लाइन में लगे शख्स ने जब काउंटर खुलने पर तत्काल टिकट के लिए फॉर्म देना चाहा तो वहां मौजूद दलाल ने धक्का देकर लाइन से बाहर करना चाहा। पेशे से इंजीनियर शिशिर कुमार सिंह ने जब उसका विरोध किया तो दलाल ने चाकू मार दिया। मुझे बुरी तरह से पीटा, मेरे पीठ पे चाकू मारा, उसके बाद मेरे डंडों के प्रहार से मेरे हाथों पे मारा और मेरे पैरों को घायल कर दिया। उसके बाद फिर मुझे घसीटते घसीटते ले गए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे परिजन आए, फिर मुझे उठा के ले गए और फिर मैंने रेल थाना में केस किया। जिसने चाकू मारा उस दलाल का नाम विश्वजीत उर्फ हैप्पी है। पीड़ित के परिवार वालों ने आरोपी के एक साथी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन मुख्य आरोपी फरार है। विश्वजीत हिस्ट्री शीटर है, कुछ दिन पहले ही वो जेल से छूटा था। इस घटना ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि रेलवे स्टेशनों पर दलाल किस कदर हावी है। ट्रेनों का ये हाल है कि टिकट मिलता ही नहीं, उस पर अगर तत्काल के लिए रात भर जग कर लाइन लगाओ तो भी कन्फर्म टिकट मिलने की गारंटी नहीं, और अगर किसी तरह तत्काल के काउंटर पर पहुंच भी गए तो दलाल चाकूबाजी पर भी उतारू हो जाते हैं। धीरज सिंह, सहरसा, आज तक।